everyone. This is Shivam Tiwari and you're watching Techno Gyani. Thank you so much for your love. So, आज हम इस वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे. कस्टमाइज के लिए देखिए आपको आपको लॉगिन करना है. देन लॉगिन करने के बाद आपको ये साइट में दिखेगा ऑप्शन कस्टमाइज. तो कस्टमाइज ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना है. तो जब भी आप कस्टमाइज ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का कस्टमाइजेशन बॉक्स ऑन होगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपको लोगो चेंज करना है तो आप लोगो चेंज कर सकेंगे. उसके डिजाइन चेंज करना है तो डिजाइन भी चेंज कर पाएंगे. पेजेस की लोकेशन चेंज करना है, मेन्यू लोकेशन, फुटर चेंज करना है, तो सभी चीज आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप किस तरह से कर पाएंगे. एक बार ध्यान रखना दोस्तों, हर पेजेस का, हर वेबसाइट का, सॉरी पेजेस नहीं वेबसाइट्स का, ये जो कस्टमाइज सेक्शन होता है वो चेंज हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कौन सी है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको शो करके दिखाता हूँ. लाइक ग्लोबल है, ठीक है, तो ग्लोबल को मैं शो करना चाहता हूँ. यहाँ पे कलर्स है, कंटेनर है, बटन्स है, तो आप यहाँ से नॉर्मली जा करके आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो फॉन्ट को, है ना. देन फॉन्ट के अलावा मुझे नहीं लगता मुझे इसे चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए सफिशियंट है. देन हेडिंग आपका किस फॉन्ट पे होगा, कैसा साइज होगा, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो. हेडिंग वो ये जो आपको दिख रहा है ना, जॉइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट, ये आपकी हेडिंग है. ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी सुंदर दिख रही है. आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर जाकर के यहाँ से सेट कर सकते हैं. सेम भी ये नॉर्मल चीजें हैं जो आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो. लाइक मैं अब आपको हेडर शो कर रहा हूँ, तो हेडर में सबसे ऊपर जो है आपका साइट आइडेंटिटी. तो साइट आइडेंटिटी में मतलब इसका लोगो होगा, टाइटल्स होगा. ठीक है, तो यदि आपको लोगो चेंज करना है तो चेंज लोगो पे जाना है आपको. देन फाइल अपलोड ऑप्शन पे जाकर के सिलेक्ट फाइल, देन उस लोगो को जिससे आपको रिप्लेस करना है. लाइक मुझे रिप्लेस करना है रजिस्टर नाउ ऑप्शन से. ठीक है, नॉर्मली लोगो वेबसाइट्स का नेम होता है तो आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर आपको कोई भी इमेज चूज करके नहीं रखनी है, आपको वो लोगो, स्पेसिफिक लोगो रखना है जो आपने वेबसाइट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको अभी एग्जाम्पल लेकर के शो कर रहा हूँ कि सपोज दैट मुझे रजिस्टर नाउ जो है वो मेरा लोगो था, तो मैंने यहाँ पर उसको क्या कर दिया है, सेट कर दिया है. ठीक है दोस्तों, यदि आप उसको चेंज करना चाहो तो अगेन चेंज कर सकते हो एंड वापस इसी को रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, देन इसके अलावा आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे साइट का टाइटल है, दिख रहा है ये, तो आप चाहो तो साइट का टाइटल, साइट का टाइटल क्या है, ये देखिए टेक्नो गैनी डेमो जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे है. ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें और भी चाहो लाइन साइट टाइटल में ऐड कर सकते हो. नॉर्मली साइट टाइटल बच्चों ध्यान रखना है वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हमें वेबसाइट को अट्रैक्ट करना है. सेम टैगलाइन में भी हम उसी कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन टैगलाइन हमारी वेबसाइट की समरी इंट्रोडक्शन होता है कि हम इस वेबसाइट से क्या क्या करना चाहते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल टैगलाइन भी पास कर सकते हो. ठीक है, किसी भी कोरिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड आपको यदि टैगलाइन देखना है तो आपको उसकी वेबसाइट को देखना होगा. लाइक जैसे मुझे अमेजोन का टैगलाइन देखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा अमेजोन, या फिर जो भी है आप चाहो तो सर्च कर लो. एंड देन सर्च करने के बाद आपको मैं शो करता हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया बाय मोबाइल लैपटॉप्स कैमरा बुक्स, ये उसका टैगलाइन है. ठीक है, आप चाहो तो अमेजोन इंडिया छोड़ करके बाकी इसको क्या कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो एंड देन यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो. लेकिन फ्रंट पे में आपने देखा होगा इन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है, amazon.in, तो आपका भी अपना URL पास करना है. ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से आप किसी भी साइट का लोगो सेट कर सकते हो. नाउ आइकन्स, आइकन्स क्या होता है दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा साइट पे, है ना, ये जैम सर्वर का बाय डिफॉल्ट आइकन शो हो रहा है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो. तो आइकन हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो लोगो होता है हमारा वही हो जाता है फिर आइकन. ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो ये हमारा बन गया आइकन. तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में लोगो, आइकन, टाइटल एंड टैगलाइन को रीसेट कर सकते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे सेट किया,
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया है दोस्तों, चेंज हो गया है, ठीक है। नाउ इसके बाद आप चाहो तो प्राइमरी हेडर, प्राइमरी हेडर में नॉर्मली होता है कि यहाँ पे स्पेस आप देख पा लोगे कि स्पेस कितना रखना है, मेन्यू का साइज कैसे रखना है, तो ये हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ फुटर, अभी फुटर क्या होता है तो आपने वर्ड में पढ़ा होगा, एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर। तो फुटर जो पार्ट होता है वो किसी भी वेबसाइट का नीचे वाला पार्ट होता है। देखिए आप ये ऑटोमेटिकली क्या रहा है, कॉपीराइट 2020 टेक्नो ग्यानी डेमो है ना। सो ये आ रहा है नॉर्मली यहां से, ठीक है, फुटर बार से, ये देखिए दिखा दोस्तों, ठीक। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने फुटर बार कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ अब आपको मैंने प्रोडक्ट ऐड करना बता रहा हूँ किसमें किस तरह से, ध्यान रखिएगा इसको कस्टमाइज करने के बाद इसे आपको पब्लिश करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। सो कस्टमाइजेशन के बाद आपको नॉर्मल यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो आपका कस्टमाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम है, मैं अभी आपको लॉग आउट एंड लॉग आउट लॉग इन करना दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने किया लॉग आउट, ठीक, क्योंकि अभी तक आपने, अभी तक ये मेरी गलती थी, मैंने आपको ये बताया नहीं कि वेबसाइट को हम लॉग इन किस तरह से करें, ठीक है। तो आप भी एक बार लॉग आउट करिएगा। तो लॉग आउट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोकल होस्ट डैश डेमो डैश डेमो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। तो आप जब भी इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, आपको विंडो ही चाहिए होगा, आपको कभी वेबसाइट इस तरह से विंडो शो नहीं होगी कि लॉगिन करने के लिए आपको करना है, आपको यहाँ पे नॉर्मल करना है wp-admin, ओके दोस्तों, एंड हिट इंटर, तो आप तो ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन पेज ऑन होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट यही है, अभी हमने लॉग आउट किया था इसलिए विंडो ऑन है, ठीक है। अब मुझे लॉगिन करना है तो मुझे यही विंडो चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा, देखिए मैंने जो एडमिन बनाया था वो मेरा एडमिन ही था, देन पासवर्ड मेरा था डेमो @123 है, तो पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ WooCommerce से। ये WooCommerce क्या है? तो दोस्तों WooCommerce वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम डेटा को या प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए WooCommerce एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। तो दोस्तों ये है WooCommerce, ठीक है। तो WooCommerce आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको इसका मैं डैशबोर्ड शो कर देता हूं, ठीक है। तो WooCommerce एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है या प्लगइन्स आप कह सकते हो, एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, तो ये सारी फैसिलिटी जो भी हम कर पा रहे हैं ये किसके थ्रू कर पा रहे हैं, WooCommerce प्लगइन के थ्रू, ठीक है। WooCommerce प्लगइन को लेकर के मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या काम कर सकता है और कैसे। सो बिफोर दिस मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करने से पहले मैं आपको लॉग इन करना बताता हूँ। सो नॉर्मली आपको लॉग इन करने के लिए क्या करना होगा, ये आपका वेबसाइट का मान लीजिए URL है, तो आपको URL के बाद लिखना होगा wp-admin-hit-it। तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो लॉग इन विंडो है वो एक्टिव होगा, ठीक है। एंड लॉग इन विंडो एक्टिव जब होगा तो आपको वो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे देना होगा जिसके थ्रू आपने इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो मैंने दिया था एडमिन, आपको याद होगा, एंड देन मैंने आपसे शेयर भी किया था पासवर्ड demo@123#, मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए, एंड देन लॉग इन। सो इस तरह से हम लॉग इन कर सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस पे। तो लॉग इन करना बहुत ईजी है, जैसे ही लॉग इन होगा तो आपको यहाँ पे शो होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वो इन्वायरमेंट है जहां पर हम किसी भी वेबसाइट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको WooCommerce का यहां पे जैसे कि मैंने थीम को इंस्टॉल किया था वैसे ही आपको रन अप करना होगा, ठीक है। तो WooCommerce प्लगइन आपको शो होगा, तो WooCommerce में आपको जाकर के इसकी सेटिंग
चेंज करना होगा, सेट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो सेटिंग भी शो कर देता हूँ कि किस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। एंड डैशबोर्ड भी आप इसका चेक कर सकते हो क्लिक करके कि डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है, तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक करके इसका डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे WooCommerce की सेटिंग, सबसे पहले जानते हैं WooCommerce है क्या। तो WooCommerce एक प्लगइन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। आपने कार्ड देखा होगा, आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे देखा होगा, कि सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ WooCommerce, ठीक है। आपने अमेजोन की वेबसाइट देख लीजिए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख लीजिए, उसमें कार्ड्स होते हैं, क्लाइंट के रिकॉर्ड होते हैं, आपको मेल रिसीव होता है, सेंडिंग होता है, ये सब काम कौन करता है दोस्तों? WooCommerce, ठीक है। तो WooCommerce में आपको आपको क्या क्या सेट करना होगा, तो कंट्री सेट करना होगा, पोस्टल एड्रेस सेट करना होगा, सेल टू ऑल कंट्री है, मुझे यदि इंडिया बस में कंट्री करना है तो इंडिया बस में आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री सेट कर सकते हो, देन स्पेसिफिक कंट्री मैं किसको सेट करता हूँ लाइक इंडिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या सेट हो जाएगा दोस्तों? इंडिया सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पाकिस्तान भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन, यदि आप टैक्स कैलकुलेशन करना चाहो तो बिल्कुल इनेबल कर सकते हो, ठीक है। करेंसी यहाँ पे देखिए, मैंने इंडियन करेंसी सेट है, आपके उसमें बाय डिफॉल्ट डॉलर होगा या फिर यूरो होगा, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल आकर के लिखना है इंडियन रुपीस, ठीक है, एंड देन इसे यहाँ पे सेव चेंज कर देना है। तो इस तरह से आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, करेंसी के अलावा कंट्री चेंज हो जाएगी, एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आप इस तरह से WooCommerce की हेल्प से इसे यूज कर सकते हैं। नाउ पेमेंट, तो पेमेंट ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना होगा, कैश ऑन डिलीवरी, ई कॉम के थ्रू, या फिर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज में अवेलेबल है, आपको केवल उसे एक्टिवेट करना है एंड उस पेमेंट गेटवे पे जाकर के आपको क्या करना होगा, अपना एंट्री करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर है, मैंने इनेबल किया हुआ है, चेक पेमेंट, चेक के थ्रू, कैश ऑन डिलीवरी, पेपल है, पेपल आपको एक रीडायरेक्ट कस्टमर टू पेपल फॉर देयर पेमेंट, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, आपको उसके इनेबल करना है, सेटअप करना है, ठीक है, एंड देन सेव चेंज कर देंगे, तो इस तरह से आपका पेमेंट डिलीवरी ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट्स, तो किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे ये हम देखने वाले। तो प्रोडक्ट्स आपका ये है, आपको नॉर्मली यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शन पे जाना है, देन क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। देन सेम इसके बाद यदि आपको कूपन्स ऐड करना है, ठीक है, तो मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, एक साथ बता रहा हूँ, अभी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे एंड देन साथ में ही हम कूपन्स बनाना भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को कूपन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कूपन्स का दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो हम उसे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसे क्या कर सके, यूज कर सके। तो मैं जैसे आपको ऐड भी कूपन शो करके शो कर रहा हूँ किस तरह से आप कूपन बना सकते हो, ठीक है। सॉरी ऐड भी प्रोडक्ट पेज जब तक लोड ले रहा है तब तक हम कूपन्स का वेट करते हैं, मे बी कूपन्स आ जाए, ठीक है। सो नॉर्मली आप समझ चुके होंगे कि वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, वेबसाइट मेंटेन करना बहुत आसान है। आप लोगों से यदि कोई डेवलपर पैसा ले रहा है, देखिए ये वो चीज भी सीख सकता है जो या तो आगे फ्यूचर में वेबसाइट डेवलप करवाने वाला है, तो वो इस काम को खुद ही कर सकते हैं, कोई आपको अलग से हायर करने की जरूरत नहीं है। एंड यदि आपको प्रोडक्ट बनवाना भी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना भी है, तो प्लीज मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा, क्योंकि फ्री वाली वेबसाइट फ्री की तरह ही काम करती है। आपको यदि जल्दी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना है तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम ऐड करने वाले हैं, चूंकि ये हमारी एक हर्बल प्रोडक्ट की वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैंने लिखूंगा लाइक हम लिख लेते हैं तुलसी एंड ऑयल या जूस, जो भी आपको देना हो,
देन टू सी ऑयल का डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्च एंड देन हिट इंटर, तो मुझे तुलसी ऑयल का डिस्क्रिप्शन ये मिल गया है ना। सो मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड देन यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। सो ये आ गया, ओके। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी सेट करना होगा, तो मैंने इसको सेट कर दिया है जूस। एंड यहाँ पे आपको करेंसी सेट करना है, रेगुलर प्राइस सपोज दैट 100 रुपीज है एंड देखिए 50 रुपीज, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट वर्क करती है। 100 रुपीज प्रोडक्ट जो भी आपको बताना हो, ठीक है। एंड सेल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को ऐड करना जिस प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे चाहे तो आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो, प्रोडक्ट का लेबल चेक करना हो, शिपिंग को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन टैक्सेस ऐड करना है तो शिपिंग ऑनली जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दूसरी वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। अभी मैं आपको डेमो के लिए यहीं पे एक कॉपी पेस्ट करके शो कर दे रहा हूँ, ठीक। देन प्रोडक्ट इमेजेस, सो प्रोडक्ट इमेजेस मैं आपको यहाँ से शो करके दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट इमेजेस मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये मेरा तुलसी के प्रोडक्ट का इमेज है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। एंड देन प्रोडक्ट गैलरी, तो प्रोडक्ट गैलरी में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो गैलरी है उसको सेट करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट गैलरी को चूज कर लिया, ठीक। सो ये हमारा मेन प्रोडक्ट इमेज है एंड देन उसकी ये गैलरी होगी, ओके। आप पब्लिश करने से पहले यदि प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करिए, आपको प्रीव्यू शो होगा, अदरवाइज आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। नाउ ऐड न्यू कूपन्स, न्यू कूपन्स है सपोज दैट लॉग डाउन अप्रैल, अप्रैल में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। एंड सॉरी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो अप्रैल लॉकडाउन जो मेरा टाइटल था उसके बदले में मुझे मिल गया क्या, कोड। एंड देन कूपन्स का अमाउंट होगा 50 रुपीज, इसके रिस्ट्रिक्शन आप ऐड कर दो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है तो आप इसमें नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम स्पेंड आप डाल दीजिए 100 रुपीज आप कर सकते हो, मैक्सिमम स्पेंड में कोई लिमिटेशन नहीं, जितना अच्छा होगा कोई खरीदे तो। देन यूजर्स लिमिट, तो आप यदि चाहो यूजर्स लिमिट पर कूपन 1 एंड पर यूजर 1, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया क्या पब्लिश, तो ये बन गया हमारा कूपन। मैं इसे कॉपी करके अभी आपके सामने इस प्रोडक्ट को मैं परचेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है, अब यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का फुल लुक मिलने वाला है ना। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसे भी ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, इस तरह से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और ये देखिए प्रोडक्ट ऐड हो गया, आप चाहो तो यहां से परचेस कर सकते हो। देन ये तो बेसिकली चीज थी प्रोडक्ट को ऐड करना, कूपन्स क्रिएट करना। जो प्राइमरी चीज है, हमें वेबसाइट के पेजेस को एडिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो वेबसाइट के पेजेस को एडिट करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, आप डैशबोर्ड में पेज ऑप्शन में और पेजेस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज किसी स्पेसिफिक पेज को लाइक मुझे अबाउट पेज को एडिट करना है, ठीक है। तो मैं चाहूं अबाउट पेज को ऑन कर एडिट पेज पे जाकर के भी क्या कर सकता हूँ, उस पेज को एडिट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, तो मैं आपको फिर से कार्ट में कूपन जो हमने बनाया था उस कूपन को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ये कूपन बन गया, देन अप्लाई कूपन शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 100 रुपीज से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली 50 रुपीज क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 220 रुपीज।
Got it ना? Okay. So इस तरह से हम कूपन बना सकते हैं एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं. पेज में जाना है जिसे आपको एडिट करना है. तो जैसे मुझे अबाउट पेज को एडिट करना है तो मैं मूव होऊंगा अबाउट पेज पे. ठीक है, तो अबाउट पेज में जब आप एडिट करेंगे, देखिए आपका ये अबाउट पेज है. देखिए प्रॉपर लोड नहीं दिया है. सो आपको यहाँ पे देखिए ये एडिट पेज है. इस एडिट पेज में जाकर के आपको क्लिक करना है तो आपको सेम विंडो मिलेगी. ठीक है, एंड देन आपको अबाउट कुछ भी जो भी अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे ऐड कर देना. ठीक है, ये आप जो भी चाहें यहाँ पे पास कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं. ठीक है, या फिर एलिमेंटर के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं. एलिमेंटर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप पूरा का पूरा कंटेंट ऐड कर सकते हैं. तो मैं एलिमेंटर के भी थ्रू शो कर रहा हूँ, आपको दोनों व्यू शो करूँगा मैं किस तरह से आप दोनों व्यू का यूज कर सकते हैं. तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एलिमेंटर का यूज करें. ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा है. Then आपको जो भी स्ट्रक्चर पास करना है सेकेंड कॉलम.
आप इस वीडियो का लिंक यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल लिंक पास कर फिर एक दिन वो जो माली था वो पूरी शिद्दत के स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग दोनों सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि देखिए आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है। आप ऐसे वीडियोस बना बना कर के भी अपने पेजेस पे अपने वर्ड्स पेज की जो वेबसाइट रहेगी उसमें आप अपने वीडियोस को यहां पर ऐड कर सकते हैं। सेम यदि आपको इमेजेस रखना हो तो मैंने देखिए प्लस पे साइन किया, देन प्लस पे गया, मीडिया गैलरी में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं। मुझे उसे क्या करना है, चूज करना है। लाइक मुझे ये इमेजेस बहुत अच्छी लगी, आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। यूजर फ्रेंडली सेटअप, आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में।